के विरुद्ध। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, सच और झूठ की बिसात का विश्लेषण। सुनिए, मैं एक एक करके आपको तमाम तथ्य दिखाता हूं जो बताते हैं कि सर्वे से पहले मुस्लिम पक्ष ने कहा वहां कोई शिवलिंग नहीं है। शिवलिंग के साक्ष्य मिल गए तो फुवारा बता दिया गया। बार बार आप गोल पोस्ट देखिए कैसे बदल रहा है। हिंदू आस्था के सबूत मिले तो कहा मस्जिद नहीं छिनने देंगे। अगर वहां पर हिंदू आस्था के सबूत झूठे हैं तो मस्जिद छिनने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। सत्य को बदलने की जरूरत नहीं होती, झूठ बार बार बदला जाता है, इसमें भी कोई दोराय नहीं है। और अब आप देखिए, मुगल से कहानी जो है वो रानियों तक पहुंच गई है, यानी बेगमों तक पहुंच गई है। ये अपने आप में बताता है कि सत्य के तथ्य कितने कमजोर हैं। और अब मैं एक बड़ा सवाल पूछता हूं, क्या मुस्लिम पक्ष को पहले से पता है कि वहां मंदिर ही है, इसीलिए इस तरह के बार बार गोल पोस्ट बदले जा रहे हैं। और अब मैं एक किताब को कोट करना चाहता हूं जो कि एक ब्रिटिश यात्री पीटर मंडी की किताब है, विश्वेश्वर शिवलिंग की पूजा का जिक्र उसमें किया गया है। मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में पीटर मंडी बनारस आए थे, यानी जो मौजूदा की काशी है वहां आए थे। वहां उन्होंने अपनी किताब द ट्रेवल ऑफ पीटर मंडी इन यूरोप एंड एशिया, जो 1608 यानी 1608 से 1667 में लिखा, उसमें लिखा, मैं खुद मंदिर गया जहां बीच में एक ऊंची जगह पर बिना नकाशी वाला बड़ा पत्थर रखा है जिस पर लोग गंगा नदी का पानी और दूध चढ़ाते हैं, यानी वो शिवलिंग बता रहे हैं। इस मूर्ति को वहां के लोग महादेव बोलते हैं, ये उनकी किताब में जिक्र है, उन साक्ष्यों में जिक्र है। मैं बढ़ता हूं आगे, मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है। शिवम त्यागी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता और एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के वारिस पठान एआई एमआईएम के अतिकुर रहमान है मेरे साथ, मुस्लिम चिंतक तौसीफ खान है टीएमसी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। वारिस पठान, आज की चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। मेरा पहला सवाल आपसे है, असद ओवैसी को रानियों तक जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या सत्य के तथ्य कमजोर है? नहीं नहीं, देखिए अमीश भाई, जब हमको बार बार मुसलमानों को मुगलों के साथ जोड़ दिया जाता है तो हमने कहा था कि मुगलों की भी बीवियों के नाम आप बता दीजिए ना, क्या थे, क्यों बार बार हमको मुगलों से जोड़ना, मुसलमानों को मुगलों से क्या लेना देना है। देखिए, हमारा मानना है कि इस्लाम जो आया हिंदुस्तान में सूफी संतों की वजह से आया, पहली मस्जिद जो बनी थी केरला के अंदर बनी थी अमीश भाई, मगर भाजपा का तो आदत बन गया है ना किसी भी तरह से देश के नागरिकों का माइंड भटकाओ। अभी देखिए आज क्या हुआ, एएसआई ने रिपोर्ट क्या फाइल किया, कुतुब मीनार के मैटर में चले गए थे जहां पर 800 साल से पूजा नहीं हुई, एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया कोर्ट के अंदर और कहा कि ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, और 27 जनवरी 1999 का जजमेंट भी वहां पे साइट किया और उन्होंने कहा कि यहां पर आप पूजा नहीं कर सकते, 800 साल से नहीं किया प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के अंदर, और AMASR 1958 के हवाले से कहा कि उसमें कोई प्रावधान कोई प्रोविजन नहीं है कि वहां पर आपको इजाजत दी जाए, मगर नहीं, इनके दिमाग में एक ही चीज बैठ गई है कि हिंदू मुसलमान देश भर में करा रहा है। ठीक है, आप कह रहे वारिस, आपने अपनी बात को समाप्त कर लिया हो तो, आपने बोला मुगलों से क्या मतलब है, मुगलों से तो उनको मतलब है जो औरंगजेब की मजार पर जाते हैं। वो कौन गया था औरंगजेब की मजार पर, जरा बताएंगे वारिस पठान जी, मुगलों से किसको मतलब है, मुगलों से किसको मतलब है, ताजमहल से लेके लाल किले तक और कुतुब मीनार तक, और ये कहते हैं कि हमने 800 साल इस देश पे राज किया है, वो किस पार्टी के किस नेता ने बोला था, नाम आप बोलेंगे मैं बोलूं? देखिए मैं बताता हूँ, 30 सेकंड मुझे दीजिए अमीश भाई, 30 सेकंड बताइए, किस नेता ने बोला, गए थे वहां पे स्कूल के नींव रखने के लिए गए थे हम, वो स्कूल के अंदर अच्छी स्कूल बनाना है हमको वहां पे, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख भाई सबके बच्चे वहां पढ़े, अकबर ओवैसी की ऐसी 11 स्कूल है हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना में, उनके 75 स्कूल हो, 800 साल राज किया है हमने, औरंगजेब मुगलों से अपने आप को कौन जोड़ता है, सुनिए, असद ओवैसी के छोटे भ्राता, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि की मजार पे जाना कोई असंवैधानिक गुनाह है? तो फिर नहीं, असंवैधानिक तो कुछ भी नहीं है, उसका कोई उल्लंघन होता है, अपने माँ बाप के प्यार पैर कोई नहीं छूता, वो भी असंवैधानिक नहीं है, लेकिन देखिए संविधान हर चीज में संविधान को नहीं लाया जा सकता, हर चीज में संविधान को नहीं लाया जा सकता, संविधान नाम की किताब के पीछे मुगलों को नहीं छुपाया जा सकता। ना ना, आपने बोला मुगलों से कौन जोड़ता है, असद ओवैसी ने लिखा ना, हमें मुगलों से जोड़ा जाता है, तो इस सवाल का जवाब दीजिए, मुगलों से अपने आप को कौन जोड़ता है, मुगलों से अपने आप को वो जोड़ता है जो कहता है कि 800 साल तक हमने राज किया, जवाब दीजिए इस बात का। सुनिए सुनिए सुनिए, एएसआई का प्रोटेक्टेड जगह है, एएसआई आता है गवर्नमेंट के अंदर, मोदी को बोले कानून बना दे, वहां पे नहीं जाएंगे, चलिए, मगर वहां पर भी अमीश भाई
आडवाणी जी चले गए, जिन्ना जिसने हमारे देश के विभाजन कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसकी कब्र पे चले गए आडवाणी जी। तो देखा ना आडवाणी जी का क्या हाल हुआ, बहादुर शाह जफर की कब्र पे आडवाणी जी का क्या हाल हुआ वो सबने देखा। एक हारे वो चुनाव लगातार हारे, हम गए हमारे काम की प्रशंसा नहीं करते हो ना, काम की प्रशंसा करो वारिस भाई। आप लोग ने क्या मुगल स्कूलें बनाई, जिन्ना मुगल को औरंगाबाद तेलंगाना में उनको एडमिशन चाहिए, मिलेगा एडमिशन रमेश भाई, टॉप क्लास की तालीम दी जाएगी। रानियों तक बात पहुंच गई है, क्यों? अरे माइंड भटकाना छोड़ो, क्यों आपको लगता है, क्यों बीजेपी को लगता है ये नारी अस्मिता पर सवाल खड़ा कराया असद ओवैसी और उनकी पार्टी ने? अरे नारियों का अपमान कर दो भाजपा को, पहले तो पड़ गई है मेरा मोबाइल। ठीक है, जवाब सुनिए, इतने सारे अपशब्द यूज इस्तेमाल किए इन लोगों ने, अगर मैं केस फाइल कर दिया तो 5-10 हजार लोग जेल चले जाएंगे। पॉइंट वारिस पठान, बी फेयर। गौरव भाटिया, देखिए ऐसा है कि भारत की नारी अपनी अस्मिता के लिए जौहर कर देती है, वो शेरनी है, और जो आक्रांता आए थे, भिकमंगे लुटेरे जिनको कुचल दिया गया, मुगल, उनके कुछ वंश वाले अभी भी यहाँ बैठे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इन शेरनियों ने किस तरह से बाबर के समय में चंदेरी में जौहर हुआ, अकबर के समय में चित्तौड़गढ़ में जौहर हुआ, हुमायूं के समय में रायसेन में जौहर हुआ, औरंगजेब के समय में बुंदेलखंड में जौहर हुआ। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है पवित्रता यहाँ की महिलाओं की। और उनका मजाक कौन उड़ा रहे हैं? वो उड़ा रहे हैं जो खुद शायद नहीं जानते कि अस्मिता क्या होती है। मैं केवल एक सवाल पूछता हूँ, आज का वक्तव्य ध्यान दीजिए, असदुद्दीन ओवैसी, सॉरी एसिडुद्दीन एसिड फैलाते हैं, कहते हैं मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं है। तो जो इनके भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी और उनके साथ में ये वारिस पठान, ये तस्वीर देखिए, औरंगजेब की मजार पे जाते हैं, तो अमीर जी या तो अकबरुद्दीन ओवैसी और वारिस पठान भारतीय नहीं है या मुसलमान नहीं है, और हो सकता है दोनों ही ना हो, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी से बड़े नेता तो अकबरुद्दीन और वारिस पठान है नहीं। दूसरी बात, इन्होंने बार बार कहा कि मुगल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भैया, ये बात अलग है, ये पलटी मार जाते हैं, कभी कहते हैं 10 करोड़ है, 100 करोड़ पे भारी है, फिर पलट जाते हैं, एक साल टीवी पे नहीं आते। लेकिन ये बताओ, उत्तर प्रदेश के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी क्यों बोले थे कि हमने 800 साल हुकूमत करी है इस देश के? जवाब 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 गौरव भाटिया, जवाब देना जरूरी है, ये तो जवाब तो सुनो, हिस्ट्री यार सुनो। अभी आपने कहा कि आप मजार पे क्यों गए, तो मेरा ये अस्मिता है, मेरा ये मानना है कि मैं तो कहीं भी कब्र देखता हूँ, दरगाह देखता हूँ, तो मैं पहले तो हीरो मानता हूँ, उसके बाद मैं वहाँ पे खड़े रहकर फातिहा पढ़ता हूँ, तो मैं कोई गलत करता हूँ? चलिए एएसआई को बोल के मोदी को बोलिए ना, उसको बना दे, वहाँ पे कानून बना दो भाई, एक सवाल को डिक्लेयर कर दो कि वहाँ पे नहीं जाने का, नहीं जाएंगे ना, लेकिन हम तो कायदे कानून मानते हैं। चिल्लाओ मत, अरे आपके सवालों का तो जवाब दे रहा हूँ मैं, इनकमिंग बंद हो गई क्या? मैं कह रहा हूँ सवाल है, जवाब दे रहा है, आप ही को बोलना है, आप ही को बोलना है, मेरा एक सवाल है, सवाल का जवाब दो ना, हम तो डरते नहीं है ना, हम तो औरंग बिंदास बात करते हैं, 56 इंच की तरह हमारी तो डरते नहीं है ना, चाइना का नाम लेने से जो डरता है ना, 56 इंच का सीने वाले, हम तो वैसे नहीं है ना, हम तो अभी दास बोलते ना कि चाइना हमारे देश के अंदर घुसा है, वहां पे बुलडोजर जाके चढ़ाओ, मगर 56 इंच तो खामोश बैठा है ना, क्रिकेटर की उम्र में ट्वीट होता है, मगर चीन अन्याय लोग जहर फैल रहा है, लोग जहर फैला रहे हैं लोग। मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल ये है वारिस भैया, कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवा दिया, अब ये बताओ औरंगजेब को हीरो मानते हो या गुरु तेग बहादुर को? जवाब वारिस पठान, तो फिर औरंगजेब के मजार को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर क्यों किया एएसआई ने,
क्यों उस पर ताला नहीं लगाया, क्यों बैंड नहीं लगाया, जाने की अनुमति तो है हमको, तो इसीलिए फिर आपने मेरे को मुगलों के साथ जोड़ा। देखिए इनको बोल बोल मुगलों के साथ हमारा क्या है, क्यों हमको मुगलों के साथ जोड़ रहे हो बार बार, मन की बात तो, अरे हम डरते नहीं, छप्पन इंच डरता है, छप्पन इंच के सीने वाले को डर है, वारिस पठान को डरती है, वारिस पठान तो बोलता है औरंगजेब की मजार पे, वो मजार पे नहीं बना रहे, औरंगाबाद में बना रहे। सर क्यों मैं आपको भी दावत देता हूँ, आपके कोई रिश्तेदार का बच्चा अगर पढ़ना चाहता है उसको भेजो औरंगाबाद में हमारी स्कूल में, ये अच्छी तालीम मिलेगी। ठीक है, अब मुझे अतीक रहमान को लेके आने दीजिए जलसा के अंदर। ठीक है, गौरव भाटिया और वारिस पठान, होल्ड ऑन होल्ड 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 योर गार्ड नाउ, फ्री फ्री में मिलेगा, एक सेकंड मिलेगा। ठीक है, एक एक करके अतीक रहमान, अतीक रहमान, धन शिवम त्यागी, अतीक रहमान, अतीक रहमान।